शिक्षिका पर छात्रा को गायब करने के निराधार आरोप से शिक्षकों में रोष, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर पचगांव में हुए घटनाक्रम में विद्यालय की शिक्षिका प्रीति परमार पर छात्रा दुर्गेश के परिजन लाल सिंह, अमर सिंह एवं विजेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा छात्रा को गायब करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में शिक्षकों ने न्याय की मांग करते हुए शिक्षिका पर बनाए जा रहे अनुचित मानसिक दबाव से निजात दिलाने का अनुरोध किया गया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर शिक्षिका को न्याय दिलवाने की मांग की है। धौलपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान में सभी मीडिया प्रभारी, जिला प्रशासन और नागरिक बंधु सभी शिक्षक समुदाय से ये अपील करती हूँ कि शिक्षक के दायित्वों में बंध करके फिर भी उसको निराधार अगर दोषी ठहराया जा रहा है, बेवजह से बच्ची है तो उसका ढूंढना करना पुलिस का काम है, फिर भी शिक्षा विभाग के द्वारा उसको ढूंढा गया है। ये विश्वस्त सूत्रों से हमने जाना है कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग पर दोषारोपण हो तो ये उचित मांग नहीं है, क्योंकि सारे शिक्षक संघ यहाँ जुड़े हुए हैं। मेरी सभी से ये निवेदन है कि जहाँ भी बच्ची है उसको ढूंढवाएं, और जो शिक्षिका है IAS शिक्षिका के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो जिले का हर शिक्षक, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, हर किसी के साथ कोई भी वारदात कभी भी किसी समय घटना हो सकती है। क्यों कि बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ कार्य करना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। डांटना भी है, फटकारना भी है, लेकिन इस मुहिम को नेगेटिव पॉइंट न देकर के इसको सकारात्मक सोच के साथ, हमारा मुख्य मुद्दा है बच्ची को ढूंढना, न कि इसको ट्रैक से भटकाना कि बच्ची को अगवा किया गया है। बच्ची को अगवा करा गया है तो इसको विश्व सूत्रों से जानकारी करें, शिक्षिका के घर पर देखें, शिक्षिका के रिश्तेदारों को देखें, शिक्षिका की जहाँ जहाँ जगह है वहाँ छानबीन की जाए। अगर उसमें शिक्षिका दोषी पाई जाती है तो शिक्षा विभाग शिक्षिका के साथ खिलाफ कार्रवाई करें, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। अगर शिक्षिका दोषी नहीं है तो फिर अमुक जो पार्टी शिक्षिका को निराधार दोषी मान रही है तो उसको उससे मुक्त कराए। क्यों कि मानसिक प्रताड़ना किसी व्यक्ति को हमेशा परेशान करती है। एक शिक्षक के साथ वो परेशानी है तो हर शिक्षक के साथ परेशानी है। शिक्षक संघ जिंदाबाद। शिक्षक संघ जिंदाबाद। मैडम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शिक्षिका को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शिक्षिका को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भगवान सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत। धौलपुर के समस्त शिक्षक संगठन हमारे साथ हैं और निर्दोष प्रीति मैडम को बेवजह जिस बेटी के गायब होने की उसमें फंसाया जा रहा है, जो निराधार है, और मैं हमारी प्रीति मैडम को न्याय चाहिए। निर्दोष प्रीति मैडम को अच्छी तरीके से जांच करवा करके उनको इस बेवजह के मुद्दे से मुक्त रखा जाए, इसके लिए हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं बड़ी संख्या में, और सभी शिक्षक संगठन हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारी प्रीति मैडम को न्याय मिले, जो निर्दोष है। हम उस बेटी के लिए, उसके परिवार के प्रति हमारे संगठन की सिंपैथी है, सहानुभूति है, और हम चाहते हैं कि वो बेटी मिले, और उसके लिए पुलिस से हम संपर्क भी कर रहे हैं, लगातार पुलिस को कह भी रहे हैं हमारे संगठन की ओर से, और अन्य संगठनों को भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उस बच्ची को जल्दी से जल्दी जो है खोज करके पुलिस और उनके घर वालों की सपोर्ट करें। लेकिन जिस बेवजह केस में मैडम को फंसाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, बेवजह धमकियां दी जा रही हैं, तो इसे प्रीति मैडम को मुक्त रखा जाए, इसके लिए हम मांग करते हैं। और हमारे साथ में हमारे सभी जिले के जितने भी संगठन हैं वो हमारे साथ में हैं, और जल्दी से जल्दी इसके लिए न्याय मिले मैडम को, हम यही चाहते हैं। यह है कि मेरे खिलाफ़ जो महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है वो बिल्कुल गलत है, उसमें लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं और दिन की तरह 12 तारीख को भी उस विद्यालय में, अपने जिस विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ वहाँ पढ़ा रही थी, और कुछ 11 क्लास के कुछ बच्चे मेरे पास शिकायत लेके आए थे, जिसकी शिकायत एवज मैंने उस छात्रा को बुलाकर उसकी गलती के प्रति समझाया, क्योंकि उसमें वह पूरी तरह गलती में थी, और उसके भाई को बुलाकर भी उसको समझाया गया था, और फिर उसको उसकी क्लास में भेज दिया। उसके बाद वह बच्ची अपनी कक्षा में बैठ गई थी, लेकिन उसके भाई ने उसको धमकाया कि मैं तुझे पिता से, मतलब पापा से पिटवाऊंगा, जिसके डर के कारण बच्ची बैग लेकर विद्यालय से निकल गई। और जब हमने
उसको रोकने की कोशिश की तो वह नहीं रुकी, लेकिन उसके भाई ने आकर हमें आश्वस्त करा दिया। जब हमने भाई को पीछे भेजा तो भाई ने आकर हमें बताया कि वह मैंने घर तक छोड़ आया, लेकिन तो यह सुनकर हम आश्वस्त हो गए कि बच्ची चली गई है। और उसके बाद हमने मतलब हमें हम मेरे प्रति उन्होंने उसके पिता ने जो है मामला दर्ज कराया और मामले में यह बताया कि हमने बच्ची को अगवा कराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह बच्ची पहले भी 2-3 बार घर से जा चुकी है। तो इस चीज़ की हम सैपू थाना में पूरी बात रिकॉर्ड है कि वहाँ से बच्ची को मतलब दिया गया था पिता को, और इसकी जांच पुलिस विभाग और मेरा विभाग पूरी तरह कर रहा है और सत्य की विजय होगी। जांच सब प्रशासन द्वारा चारागाह जमीन से हटवाया अतिक्रमण, खड़ी फसल पर चली जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। क्षेत्र की लालपुर ग्राम पंचायत के मड़ई ग्राम में चारागाह जमीन पर खड़ी सरसों की फसल पर प्रशासन द्वारा जेसीबी एवं ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों में घुमाकर फसल को नष्ट कराया गया, क्योंकि वहां चारागाह जमीन पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर फसल वो रखी थी। जिस चारागाह जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन ने कमर कसी है, इस तरह अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की आगे कार्यवाही जारी रहेगी। अतिक्रमण को ADM ब्रह्मलाल जाट राजाखेड़ा, STM सुमन मीणा धौलपुर CO, सुरेश सांखला मनिया CO, राजेश शर्मा तहसीलदार, टिकेंद्र सिंह हल्का गिरदावर एवं पटवारी SHO देहोली, परमजीत सिंह SHO मनिया, देवेश कुमार SI राजाखेड़ा, सगुनलाल मीणा में पुलिस फोर्स जाप्ता के साथ मौजूद रहे, जिनके निर्देशन में अतिक्रमण को हटाया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। नागरिकों की मांग पर नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में नगरपालिका प्रशासन द्वारा अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन द्वारा पुराना बस स्टैंड से अग्रवाल धर्मशाला होते हुए मुख्य चौराहा, सदर बाजार, मनिहार गली, सब्जी मंडी, हवेली थोक, तिराहा होते हुए बयाना मोड़ तक अभियान चलाया गया, जिसमें अस्थायी रूप से फुटपाथ पर दुकान लगाकर बैठे सब्जी वालों ठेल दुकान के आगे बढ़ाकर काउंटर व सामान लगाकर सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों से समझाइश कर सामान को हटवाया एवं भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया। नगरपालिका की इस कार्यवाही से अस्थायी दुकानदारों और ठेल ढकेल वालों व दुकानों के बाहर सामान लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं नागरिकों ने नगरपालिका की कार्यवाही की सराहना की है। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नागरिकों की मांग पर बसेड़ी कस्बा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान मुख्य सफाई निरीक्षक श्री प्रकाश श्रीवास्तव, MIS मैनेजर अमित कुमार, श्री कृष्ण, अमित कुमार राणा सहित अनेक सफाईकर्मी मौजूद रहे। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। एक पट्टी और लगा दिया भरवा ऐसे पट्टी क्या काम है, ट्रॉली चाहिए पट्टिया को, ट्रॉली चाहिए तो एक पट्टी आगे एक पट्टी और लगने लगी यार, टंबू में ड्रवा दिया पट्टी है तो टंबू बुला ले, फटाफट फटाफट बुला ले टंबू, हां टंबू फटाफट नाली तो धके रही यार, भाई साहब इधर रखो, भाई साहब टाइम लगे हुए हैं अभी, तुम खाओ विशाल निःशुल्क परामर्श एवं जांच चिकित्सा शिविर संपन्न, स्वर्गीय रामदास बंसल की पुण्यतिथि पर हुआ आयोजन। बाड़ी में विशाल निःशुल्क परामर्श एवं जांच चिकित्सा शिविर गर्ल्स स्कूल के सामने अवन्या मेडिकोच के बगल में आयोजित किया गया। यह शिविर स्वर्गीय रामदास बंसल की 38वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर हरिचरण बंसल, भगवान लाल ठेकेदार सरमथुरा वालों के द्वारा फीता काटकर दीपदान कर किया गया, जिसमें डॉक्टर हरिचरण बंसल पूर्व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मित्तल कॉलोनी धौलपुर, डॉक्टर मनीष मित्तल पूर्व चिकित्सक गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर कुलदीप सिंघल जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ पूर्व चिकित्सक दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर, डॉक्टर सिद्धार्थ गोयल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया गया है। शिविर में डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर हरिकिशन मंगल PMO,
डॉक्टर शिवदयाल मंगल अपना घर संरक्षक विष्णु महेरे एवं सभी डॉक्टर्स का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर दिनेश कंपाउंडर श्रीनिवास मित्तल, बबलू धीमरी वाले, संदीप वंसल, राकेश मंगल, रामनिवास गर्ग अग्रवंशी, हरिओम वंसल, दीपक सिंघल, गोविंद गर्ग, ऋषि गर्ग, मदन मंगल, रामनिवास कोयल मौजूद रहे। शिविर का गोपालदास वंसल, अमित वंसल, योगेश वंसल, यश वंसल, अर्पित वंसल द्वारा आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ लगभग 350 से अधिक मरीजों ने निःशुल्क थायराइड ओपीडी परामर्श एवं अन्य जांच कराकर शिविर का लाभ लिया। एबीवीपी ने धौलपुर की समस्याओं को लेकर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर की प्रमुख खबर, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा नगर परिषद में आयुक्त को ज्ञापन दिया। नगर मंत्री योगेश मीणा ने बताया है कि शहर की प्रमुख सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे व उखड़ी पड़ी गिट्टियों से राहगीरों को दिक्कत है। शहर के वाटर वर्क्स चौराहा, गांधी पार्क, ओंडिला रोड, शहीद भगत सिंह चौक, शिवचरण हॉस्पिटल, सैंपो रोड पर बड़े गड्ढों के साथ गंदे पानी की समस्या देखी जा सकती है। जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया है कि इन बदहाल सड़कों के कारण कई बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। इसके अलावा हवा में उड़ रहे धूल के कण राहगीरों व स्थानीय लोगों को बीमार एवं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं धौलपुर शहर के राजकीय विधि महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में भी अभी तक पीने की पाइपलाइन नहीं पहुंची है, जिस वजह से यहां पानी की अत्यधिक समस्या है। नगर सह मंत्री नीरज शर्मा और अरुण चौधरी ने बताया है कि सिविल लाइन के चैम्बर सड़कों से ऊपर व नीचे होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जिला SFS संयोजक विष्णु भारद्वाज ने बताया है कि शहर के बाजारों से लेकर वार्डों में नहीं जलती स्ट्रीट लाइटें। शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल मचकुंड धाम को जाने वाली सड़कें व उनके आसपास जाने वाली सड़कों पर भी लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रावास प्रमुख सुमित कांधिल ने बताया है, राजकीय PG महाविद्यालय धौलपुर का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ कॉलेज मार्ग पर गंदगी का ढेर और मृत जानवरों को फेंक दिया जाता है। उक्त विषयों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जल्द से जल्द समस्याओं का निवारण किया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद के द्वारा उग्र आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की होगी। इस मौके पर जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, जिला कार्यालय मंत्री विकास अग्रवाल, जिला SFS संयोजक विष्णु भारद्वाज, नगर मंत्री योगेश मीणा, नगर सहमंत्री नीरज शर्मा, अरुण चौधरी, नगर छात्रावास प्रमुख सुमित कांधिल, जिला SFT संयोजक आकाश दिवाकर, नगर कार्यालय मंत्री जतिन अग्रवाल, हर्ष आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता लाभार्थी के घर घर पहुंचकर कर रहा है संपर्क। अनिल गोयल, भाजपा बसेड़ी की बैठक आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर, आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा बसेड़ी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष फेरोज सिंह परमार की अध्यक्षता में किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता के छायाचित्र पर पुष्पमाला और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान संयोजक जिला महामंत्री अनिल गोयल, जिला महामंत्री मदन कोहली, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, लोकसभा विस्तारक गिरधारी चौधरी रहे, जिसमें अनिल गोयल ने कहा कि बसेड़ी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में बूथ स्तर तक केंद्र की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची और लाभार्थी संपर्क अभियान को और गति की जाए, जिससे हमारी करौली धौलपुर लोकसभा सीट राजस्थान में प्रथम स्थान पर पहुँच सके। प्रत्येक लाभार्थी के घर पहुँचकर मिस कॉल मोबाइल से अवश्य दिलवाएँ। लोकसभा विस्तारक गिरधारी चौधरी ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 से 25 सीट जीतेंगे और हर बूथ पर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे।
अन्य कार्यकर्ताओं ने जिसमें जिला महामंत्री मदन कोहली, जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार, पूर्व जिला महामंत्री भानु प्रताप सिंह, फोला सिंह जादौन, भैरव सिंह परमार अपने विचार रखे। इस मौके पर ओम प्रकाश शर्मा, गजेंद्र चौधरी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, आंगई मंडल अध्यक्ष दशरथ सिंह परमार, फोला सिंह जादौन, कप्तान सिंह जादौन, मनोज गर्ग, कैलाश शर्मा, मंडल महामंत्री महेंद्र कोहली, सुरेश शर्मा, पप्पू परमार, धीरेंद्र परमार, पीयूष शर्मा, विजेंद्र शिकरवार, रामलखन परमार को वनवारी जाटव लक्ष्मणपुरी, जगदीश नेताजी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पाराथर की रिपोर्ट। की जिम्मेदारी दे दो और कुछ देख लूंगा या फिर एक मेरा सहयोगी इसके अंदर लगा तो एक सहयोगी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सहयोग के लिए काम हुई होगा। अब इस जो चुनाव प्रबंधन समिति में जैसे आपके लिए देखिए कि बूथ प्रबंधन, तो बूथ प्रबंधन का कोई मुखिया जिसने बना दिया या मीडिया का मुखिया बना दिया पूरी विधानसभा का, तो उसको करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो पद तो हमें मिल गए लेकिन हमको भी क्या करना है, हमको अपने चारों मंडलों में अपने एक एक मंडल पर आदमी खड़ा करना है। और हनुमान जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 16 मार्च को होगी मीटिंग, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। हनुमान जयंती महोत्सव समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष कालीचरण मुदगल के अनुसार आगामी हनुमान जयंती महोत्सव के संदर्भ में दिनांक 16 मार्च 2024 को समय सायं 7:30 बजे श्री मेहते की धाम पर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पिछले साल का लेखा जोखा कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा एवं आगामी हनुमान जयंती महोत्सव की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। अतः सभी सदस्यगण एवं महानुभावों से आग्रह है कि मीटिंग में अवश्य पधारें। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट।